Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है? बिल्कुल जी, नेक औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। और दूसरी बात के माँ बाप अगर नेक होना तो अल्लाह ताला औलाद की मुआविनत फरमाता है वालिदैन के नेक होने के सबब से। उनकी ऐसी ऐसी जगहों से मदद होती है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर पाते, कभी उन्हें खबर भी नहीं होती उनकी मदद हो जाती है। और इस पर तो कुरान दलील है। सूरह कहफ उठा के देखें, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम का वाकया मौजूद है। और वो दो यतीम बच्चे थे जिनकी दीवार के नीचे जिनका खजाना था, तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने जब उसे ठीक कर दिया तो क्या वजह बताई? वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। तो فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ, तो तेरे रब ने ये चाहा कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना ये है वो निकाल लें अब तेरे रब की मेहरबानी और तेरे रब की रहमत से। तो बहरहाल माँ बाप का नेक अमल औलाद के आगे आता है। तो बहरहाल इस दीवार को दुरुस्त कर देने में ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मसलहत छुपी हुई थी। हम इस आयत की तफसीर में नहीं जाते, लेकिन साबित ये होता है कि इंसान की नेकियों की वजह से इसके बाल बच्चे भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी हासिल कर लेते हैं, जैसा कि इस आयत मुबारका में मौजूद है। अच्छा, इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में भी इस पर बात आती है। फिर तफसीर कुरान जो है उसमें भी है कि अगर दीवार किसी वक्त गिर पड़ती तो खजाना जाहिर हो जाता और बदनीयत लोग उस पर कब्जा पा लेते, तो अल्लाह ताला ने उस लोगों के बाप की नेकी की वजह से औलाद को उन पर ये करम किया। तो मरने वाला चूंकि नेक इंसान था, लिहाजा अल्लाह को ये मंजूर हुआ कि इसका मदफून खजाना इसके वुरसा को मिले। तो अल्लाह ताला जो है वो नेक लोगों के इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके किए हुए इकदामात की हिफाजत फरमाता है। अच्छा, अब इसी तरह एक रिवायत मैं आपसे शेयर करता हूँ, गो के मुस्नद इमाम अहमद में आती है और हाफिज इब्ने कसीर ने इसको अल बिदाया व निहाया में भी जमा किया है, जिल्द नंबर 2 सफा 340 पर। और वो ये है कि अल्लाह जो है एक शख्स का जन्नत में मर्तबा बुलंद फरमा देता है। तो वो अल्लाह से इसका सबब पूछता है कि बारी ताला मेरे आमाल ऐसे तो नहीं थे कि इतना बुलंद मर्तबा मुझे अता होता। तो अल्लाह फरमाता है तेरी औलाद की तेरे लिए दुआए मगफिरत करने की वजह से, इस्तिग़फारी उनकी इस्तिग़फार करने की वजह से तुझे ये मर्तबा अता किया गया। तो औलाद का माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत मांगना माँ बाप के लिए जन्नत में दर्जात के बुलंद होने का सबब होता है और कब्र में भी आसानी होती है। इसी तरह इंसान जब फौत हो जाता है ना तो इसका अमल मुनक़ता हो जाता है, जैसे सही मुस्लिम की रिवायत है। हाँ, अलबत्ता तीन चीज़ें जो हैं वो बाकी रहती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? एक सदका जारी, उसके लिए मैंने आपको पिछले दर्स में बताया था, कोई भी ऐसा सदका जो मुसलसल चलता रहे, मिसाल के तौर पर किसी बेवा की किफालत कर दी, यतीम की किफालत कर दी, हैं? जब तक वो मामला सही तौर पे चलता रहे तो अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाएगा और ईसाल कर दे आप। अच्छा, करने वाले को भी सवाब मिलता है, जिससे ईसाल किया जा रहा है उसे भी सवाब मिलता रहता है। किसी बच्चे की तालीम के अखराजात उठा लेना, कुरान का किसी को कुरान की दीनी तालीम दे देना, दीनी तालीम देने वालों के लिए जराए पैदा फरमा देना, ये मस्जिद की तामीर हो गई, मदारिस की इमदाद हो गई, किताबों का वक्फ करना हो गया, किसी फलाही काम में आपने रकम लगा दी कि भैया सड़क बन जाए, तो जब तक वो सड़क चल रही है लोग फायदा उठा रहे हैं, पानी के लिए कुआं खुदवा दिया, ट्यूबवेल लगवा दी कहीं ट्यूबवेल नहीं है, किसी को बरसर रोजगार लगा दिया ताकि हराम से बचे हलाल कमाए, तो वो जब तक रोजगार पर लगाए उस रोजगार से उसके फिर बच्चे तालीम हासिल कर रहे, वो किसी हलाल जगह पे से रोजी अपने अहलोयाल के लिए कमा रहे, तो जब तक वो मामला चल रहा है सदका जारी है, क्योंकि आपने एक शख्स को सही रास्ते पर लगा दिया, उसके लिए आसानियां पैदा फरमा दी। तो बहरहाल ये एक है सदका जारी, और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती। दूसरा वो इल्म जिससे फायदा उठाया जा रहा हो, तो ये भी कि उसने अपनी जिंदगी में एक इल्म दिया, अच्छा इल्म था, जब तक चलता जा रहा है उसको फायदा हो रहा है। और तीसरा वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है।
अच्छा, इसी तरह जन्नत में भी औलाद और माँ बाप को अल्लाह ताला साथ रखेगा। इस जमीन में मैं आपसे सूरह तूर की वो आयत भी डिस्कस कर चुका हूँ, और जो लोग ईमान लाए वल्लदीन आमनु और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो अल्लाह ताला उनको उनकी औलाद को मिला देगा। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो उनके अमल से कुछ कम भी नहीं करेगा और उन्हें जो है वो एक दर्जे में भी फरमा देगा। और इसी तरह तफसीर तशीर अल कुरान में आता है कि वालिदैन नेक और परहेजगार हों और औलाद अपने वालिदैन के पैरवी करे यानी नेकी में, लेकिन उस मुकाम को और परहेजगारी को ना पहुंच सके जिस पर वालिदैन थे, तो अल्लाह ताला औलाद पर ही मेहरबानी फरमाएगा कि इनको भी इनके वालिदैन के दर्जे तक पहुंचाकर जन्नत में उनके वालिदैन के साथ मिला देगा, ताकि वालिदैन और औलाद जैसे दुनिया में इकट्ठे रहते थे जन्नत में भी इकट्ठे रह सके। इकट्ठे रहना वह ऐसा नहीं जैसा हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, यानी सेम दर्जे में होंगे और आला दर्जे वाले की तरफ अदना दर्जे वालों को अल्लाह ताला ले जाएगा। और औलाद जो है वो आंखों की ठंडक होती है, इंसान चाहता है कि मेरी औलाद मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे, तो अल्लाह ताला ये करम फरमाएगा। क्योंकि अच्छा औलाद जा रही है तो साथ बीवी भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं उसके भी, तो पूरा कुंबा चला जा रहा है। अब वो लोग अब देखिए ना कितनी आसानी है उन लोगों के लिए ना जो कहते हैं जी हम अपने दादा पर दादा से नहीं मिले, नाना पर नाना से नहीं मिले, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देगा। यूं मुलाकात हो जाएगी या नहीं तो जन्नत में तो हो ही जाएगी और वहां की जो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। अच्छा, इसी तरह तफसीर और भी तफसीरों की किताबों में आता है कि जिनके बाप अपने इखलास और तकवा और अमलो किरदार की बुनियाद पर जन्नत के आला दर्जों पर फायज होंगे, अल्लाह ताला इनकी ईमानदार औलाद के भी दर्जे बुलंद करके इनको इनके बापों के साथ मिला देगा, यानी जो ईमान वाले होंगे। तो ये नहीं होगा कि बापों के दर्जे को कम करे, बल्कि जो नीचे दर्जे वाले हैं अल्लाह ताला उन पर एहसान फरमा कर उन्हें आपस में यूं मिला देगा और यूं अपना फजल करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से भी एक रिवायत आती है, एक मरफू हदीस में इस मजमून से वो रिवायत आती है कि जब जन्नती शख्स जन्नत में जाएगा और अपने माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों को ना पाएगा तो दरियाफ्त करेगा कि वो कहाँ हैं, तो जवाब मिलेगा कि वो तुम्हारे मर्तबे तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो अमाल में कम थे। तो ये कहेगा कि बारी ताला मैंने तो अपने लिए और इनके लिए नेक अमल किए थे, चुनाचे हुक्म दिया जाएगा और इन्हें भी इनके दर्जे में पहुंचा दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला यूं मिला देगा। और ये भी मरवी है कि जन्नतियों के बच्चों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए तो वो इनके साथ मिला दिए जाएंगे, लेकिन इनके जो छोटे बच्चे छोटे पन में ही इंतकाल कर गए थे वो भी इनके पास पहुँचा दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इसी तरह इमाम शौबी, इसी तरह सईद इब्ने जुबैर, इसी तरह और मुख्तलिफ जो है वो ताबईन से और दीगर आइम्मा से इसी को बयान फरमाया गया है। तो माँ बाप की वजह से औलाद को अल्लाह ताला यूँ इज़्ज़त अता फरमाएगा। और इसी तरह एक और हदीस भी आती है कि औलाद की वजह से माँ बाप के लिए भी मामला आता है, मुस्नद इमाम अहमद में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे का दर्जा जन्नत में दफ़ातन बढ़ाता है। वो दरियाफ करता है कि अल्लाह मेरा ये दर्जा कैसे बढ़ गया, तो अल्लाह फरमाता है तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फार किया था, इसी बिना पर मैंने तेरा दर्जा बढ़ा दिया। तो ये हदीस जो है ना ये इसनाद के लिहाज से बिल्कुल जो है वो सही है, गो के इसे इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इसे जो है वो रिवायत नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, याद रखो वो मामलात को इंसाफ के साथ भी करता है और उस इंसाफ को अपनी रहमत और अपने फजल से इतना बढ़ा देता है कि इंसान सिर्फ ये कह पड़ता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र गुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ इससे बहुत सारे आपके जो जहन में सवालात होंगे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।